बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फायद इलेक्ट्रिक डीआईवाई मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर और साथ में एम्पेयर मीटर है, तो इसकी फिटिंग कैसे करनी है इस डीपी बॉक्स में आज हम आपको बताएंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। डीपी बॉक्स लगा है, इसमें ये एक लाइट लगी है और एक वोल्ट मीटर, तो ये सिर्फ खाली वोल्ट ही दिखाता है। और यहाँ पे ये लाइट लगी है, इसको हम निकाल लेंगे और यहाँ पे ये मीटर फिट कर देंगे। तो इसके लिए हमें ये दो स्क्रू लगे हैं, एक यहाँ पे और एक ऊपर। इसको खोलेंगे और इसको लैदा कर लेंगे, तो उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे करना क्या है कि ये लाइट वाली वायर जो है वही उस मीटर में लगा देंगे, और दूसरा मेन वायर कहाँ लगानी है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमने लैदा कर लिया, अब इसको खोल लेंगे और उसी मीटर को इसी तरीके से यहाँ पे फिट कर देंगे। तो इस जैक को हम खोल के इसको लैदा और इसको ये कॉइल जो है इसको लैदा कर लेंगे। अब इसी तरीके से इसकी फिटिंग कर लेंगे, लेकिन फिटिंग करते वक्त आपने इसके वोल्ट और जो इसके एम्पेयर हैं उसका ख़ास ध्यान रखना है, ताकि वो सीधे रहें, ये मीटर उल्टा ना लगे। ये देखिए, यहाँ नीचे एम्पेयर हैं और ऊपर वोल्ट है इसके लिए, तो इस तरीके से आपने बिल्कुल सीधा रखना है इसको। और ये ऊपर इसका जो नट है इसको टाइट कर देना है। तो ये जो मेन वायर है बिल्कुल उसी तरीके से आपने एक इस साइड पे लगा देनी है और एक दूसरी साइड वाले टर्मिनल पे लगा देनी है आपने। तो इसकी पावर मैंने पीछे से बंद कर दी है। अब दूसरी साइड वाले टर्मिनल पे दूसरी वायर लगा लेंगे। तो मेन बात ये है कि इसमें जो एम्पेयर वाला खाता है वो कहाँ जाना है वो भी आपको दिखाता हूँ, तो उसको कहाँ आपने लगाना है और किस वायर से। तो ये इसकी जो मेन सप्लाई है इस वोल्ट मीटर में आ जाएगी, और आगे जो एम्पेयर वाला सिस्टम है वो आपको दिखाते हैं कि एम्पेयर वाला सिस्टम आपने कहाँ फिट करना है। तरीका बताओ। अच्छा, तो यहाँ पे ये हमारी मेन वायर है, तो आपने दोनों में से एक वायर इस रिंग से गुजारनी है, ये वाले रिंग से आपने एक वायर गुजार देनी है इससे। तो यहाँ से ओपन करेंगे, तो
तो आपने ध्यान रखना है कि आप पूरी सेफ्टी के साथ इसको करें, क्योंकि मैंने पीछे से मेन सप्लाई बंद कर दी है। और बिल्कुल फिर उसी तरीके से इसको फिट कर देना है। ये देखें, ये रिंग हमने एक वायर से गुजार लिया है। तो अब आपने ये जैक दोबारा फिर उसी तरीके से बंद कर देना है, इस तरीके से। तो ये लगाने का इसका तरीका आपने देख लिया है। अब जो मेन बात है इसकी, वो अम्पेयर चेक करेंगे कि हमारे घर में कौन सी चीज़ कितने अम्पेयर पे चल रही है और कितनी वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है। तो आपको दिखाते हैं कि हमारे जो वाटर पंप है वो कितने अम्पेयर पे चलता है, उसके बाद ओवन कितने अम्पेयर पे चलता है। तो ये देखें, यहाँ पे वोल्टेज जो हमारे आ रहे हैं वो शो रहे हैं 230 वोल्ट हैं और 00 एम्पीयर हैं। अभी इसमें सिर्फ एक एलईडी बल्ब ऑन हुआ है। अब जो हम सबसे पहले वाटर पंप को ऑन करेंगे, तो वो देखते हैं वो कितने एम्पीयर पे चलता है। ये देखिए, ये लोड पे 5.3 एम्पीयर पे चल रहा है। अब इसको ऑफ करते हैं और ओवन को ऑन करते हैं। अब ये हमारा ओवन स्टार्ट हो चुका है। ये 4.1, इनके ये भी तकरीबन 5 एम्पीयर पे चल रहा है। उसके बाद जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो अब ये देखिए ओवन को ऑफ कर दिया। अभी उसमें कुछ टाइम लगेगा, ये जो है रेफ्रिजरेटर ऑन हुआ है, यानी स्टार्ट पे इसमें 3 लिए थे, अब 0.9 एम्पीयर पे जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो चल रही है। तो अब सीलिंग फैन ऑन करते हैं। यहाँ पे ये सीलिंग फैन का बटन है, तो ये देख सकते हैं आप 1.8 एम्पीयर पे हमारा सीलिंग फैन ऑन हुआ है। अब जो दूसरा सीलिंग फैन है उसको भी साथ में ऑन करते हैं। अब ये देखें 2.7 एम्पीयर पे हो गया लोड। अब हमने इस वक्त जो 3 सीलिंग फैन और एक साथ में फ्रिज चल रही है, वो 4 एम्पीयर पे ये हमारा लोड चल रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं। तो आपको इस मीटर के ज़रिए ये पता चल सकता है कि हमारे घर में जो है वो कितना लोड इस वक्त चल रहा है, कितनी बिजली जो हमारी खर्च हो रही है। इसकी मीटर की मदद से आप ये मालूम कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।